आप समस्त लॉ स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो एग्जाम करवाया जाता है AIV एग्जाम 13 का है क्वेश्चन पेपर है, और आप इस बार AIV 19 का एग्जाम देने वाले हो, तो AIV 18 का एग्जाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। आपको भी पूरी रणनीति बताएंगे किस प्रकार क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम। सबसे पहले तो आप जितने भी पुराने पेपर है उन्हें देख लीजिए। अगर आपको कोचिंग करनी है तो आपका अपना भाई कोचिंग भी लगाता है। अगर इस वीडियो पर 10,000 व्यू जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाएगी। इतनी सिंपल और सरल भाषा में एक बार अगर आप लोगों ने हमसे कोचिंग पढ़ ली तो दोबारा डायरेक्ट और बुक को खोलने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार हम समझाते सिंपल और सरल भाषा में डायरेक्ट की लैंग्वेज को। और आपने AIV 18 का रिजल्ट देखा था, 52% बच्चे फेल हुए थे, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वह AIV एग्जाम को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। AIV 19 के एग्जाम को अच्छे से तैयार करना है, डायरेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, समझ समझ के। हम आपको बताएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालना है एग्जाम। अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। एग्जाम में जो समय दिया जाता है 3 घंटे का दिया जाता है, और ऑफलाइन एग्जाम होता है, ओपन बुक एग्जाम होता है, यानी कि आपको कॉपी किताबें तो ले जाने के लिए नहीं मिलती हैं, लेकिन जो लॉ डायरेक्ट है वह आपको ले जाने के लिए मिलता है एग्जाम हॉल में, और 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर बहुत आसान आता है, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिस दिन पेपर होता है उसी दिन डायरेक्ट खरीदते हैं। तो आप बताइए क्या ऐसे बच्चे पास हो जाएंगे? नहीं होंगे। 1 महीना अभी है आज से, अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हो तो, इसलिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो एग्जाम के लिए। AIV 19 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तभी आप वकील बन पाओगे, वरना आप वकील नहीं बन पाओगे। अगर ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रॉस नहीं किया है तो आप हमारी कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। देखें किस प्रकार हम सिंपल भाषा में पढ़ाते हैं लॉ को, कानून को। इतनी सिंपल भाषा में कोई नहीं पढ़ा पाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो आज का क्वेश्चन पेपर है AIV 13 का। आपको PDF नोट्स क्वेश्चन पेपर अगर इस वीडियो पर 10,000 व्यू जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सब कुछ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। पहला प्रश्न पूछा गया था, 19(1)(a) के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। 19(1)(a) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और 2 से 6 तक प्रतिबंध लगाए गए हैं। 2 से लेकर 6 तक प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इसमें लिखा है प्रश्न में किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं, किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता है प्रतिबंध। देखो, मानहानि है, पब्लिक आदेश है, राजद्रोह नहीं है, राज्य की सुरक्षा है, लेकिन सी ऑप्शन नहीं दिया गया है। 19(2) में इस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, राजद्रोह सेडिशन के मामले में, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा साथियों।
दूसरा, केवल नागरिक को दिए गए अधिकार है, यानी कि नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 वन ए केवल नागरिक को प्रदान किया गया है, और अनुच्छेद 14 विदेशी और भारत के नागरिकों को प्रदान है। आप एक बात ध्यान रखिए, जब आप 19 अनुच्छेद को रीड करते हो तो वहाँ पर नागरिक शब्द लिखा है, नागरिक लिखा है तो समझ जाइए यह केवल भारत के लोगों को प्राप्त है और किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है मौलिक अधिकार, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 19 वन ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है, केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। तीसरा, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर ए ऑप्शन उसके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया जाए, बी अक्षमता, सी संविधान का उल्लंघन करें, डी उपरोक्त तो सभी लागू होते हैं। अगर राष्ट्रपति है वह संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों यह आपके कॉमन सेंस पर बेस आधारित क्वेश्चन है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, संविधान का उल्लंघन करे तो राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है, उस पर महाभियोग लाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। इसके बाद चौथा, वरिष्ठ वकील पदनाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन धारा 16 वकील अधिनियम 1961। वरिष्ठ, जब व्यक्ति 16 साल से ऊपर हो जाता है यानी कि मेजर हो जाता है 16 साल में, तो वह वरिष्ठ वकील कहलाने लगता है। इस प्रकार समझना है जिससे हमें याद रह सके पेपर तक, उसके बाद भूल जाए तो क्या दिक्कत है? केस अपन लड़ते हैं या कोई अपन आवेदन बनाते हैं तो किताब खोलकर देख लेते हैं, लेकिन परीक्षा में याद होना चाहिए। वरिष्ठ वही लोग होते हैं जो मेजर है। मेजर कब होता है व्यक्ति? जब उसकी उम्र 16 साल हो जाती है, यानी कि धारा 16 एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 1961। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका साथियों। इस प्रकार याद करिए, ट्रिक बनाइए स्वयं, जिससे आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। अगर आपको कोचिंग करनी है तो आपका भाई आपके साथ हमेशा है, खड़ा है, खड़ा रहेगा, लेकिन कोचिंग की फीस है वो हम आपको बता देंगे। पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेक्शन 23 ऑफ एडवोकेट एक्ट, एडवोकेट एक्ट की धारा 23। इसके बाद अगला पूछा गया छठवां, न्यायालय की अवमानना है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग्स टू, यानी कि न्यायालय की अवमानना को किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका ए ऑप्शन भारत के संविधान के भाग 6 वे संशोधन में संघ सूची में एंट्री 7 और राज्य सूची में एंट्री 14 में बताया गया है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद सातवां, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब पीआईएल की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली
में पेश की गई थी। बताइए आप लोगों के लिए है इसका सवाल का आंसर। कई बार यह प्रश्न रिपीट किया गया है AIB एग्जाम के पेपर में। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर साथियों, जल्दी से जल्दी। इसके बाद आठवां, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में मौजूद महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें और उनके बच्चों को निम्नलिखित मामलों में से किस मामले के तहत समाज में सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए गए हैं। इसका जो बी ऑप्शन है, गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 के मामले में, बिल्कुल सही है इसका बी ऑप्शन साथियों। इसके बाद दसवां, बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? दोस्तों IPR, बौद्धिक संपदा अपील की स्थापना किसके तहत की गई है? पहला ए ऑप्शन, द कॉपीराइट एक्ट 1957, द पेटेंट एक्ट 1970, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, डिजाइन एक्ट 2000। इसका जो सही आंसर है सी, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत अपील संबंधी प्रावधान किया गया है। ग्यारहवां, अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? ए ऑप्शन 6 महीने, बी ऑप्शन 12 महीने, सी 18 महीने, डी 24 महीने। बताइए फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए कितने महीने की अवधि में? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 महीना। 12, निम्नलिखित में से कौन सी धारा सम्मन के तैयार पर कार्य करती है? इसका धारा 61 सम्मन के बारे में बताया गया है, बिल्कुल सही है। 13, CRPC के तहत न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए गए हैं? धारा 197 CRPC की। इसके बाद 14, ए हैदराबाद में, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में ABC एक साथ होने वाले हैं। बी और सी ने मांग पर संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र बनाया और ए को भेज दिया। बी और सी पर ए कहाँ मुकदमा कर सकता है? चलिए इस प्रश्न को हम स्वयं समझते हैं किस प्रकार इसका आंसर आपको निकालना है, अपनी समझ से, कॉमन सेंस से। किसी डायरेक्ट में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। चलिए समझते हैं, बी नाम का व्यक्ति कलकत्ता में, सी नाम का दिल्ली में, के से कलकत्ता, डी से दिल्ली, इलाहाबाद में ए और बी, ए और बी इलाहाबाद, ई से इलाहाबाद और सी एक साथ रहते हैं, प्लस सी भी ABC के साथ रहता है, यानी कि ABC एक साथ होने वाले हैं। बी और सी ने मांग पर, बी और सी ने मांग पर संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र बनाया, बी और सी ने बनाया, सी को, बी और सी ए को छोड़ दिया और ए को भेज दिया। बी और सी ने बनाया, ए को भेज दिया। बी और सी ए पर कहाँ मुकदमा कर सकते हैं? देखिए उपरोक्त सभी जगह मुकदमा किया जा सकता है, दिल्ली में भी, इलाहाबाद में भी,
कलकत्ता में भी, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके कॉमन सेंस पर यह सवाल बेस है। कम से कम 50 प्रश्न पूछे जाते हैं कॉमन सेंस पर आधारित। आपको बैरेक्ट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे प्रश्नों में, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हमसे कोचिंग करते हो तो हम वादा करते हैं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा एग्जाम। इसके बाद 15 धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई को कहाँ स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। ए ऑप्शन, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में। बी, किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की दीवानी अदालत कोर्ट में। यह दोनों है इसलिए सी ऑप्शन होगा, ए और दो दोनों, ए और बी दोनों। 16 निम्नलिखित में से किस मामले में सी मुकदमे को बंद कर सकता है। सी मुकदमे को बंद कर सकता है किस मामले में, एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए सी पर ₹500, ए नाम का व्यक्ति सी पर ₹500 के बी नियम बिल के लिए मुकदमा करता है। ए सी पर मुकदमा करता है ₹500 के लिए। सी ने आरोप लगाया कि ए ने सी के सामान का बीमा करने के लिए गलत तरीके से उसे अपेक्षित किया है। सी ने आरोप लगाया ए ने गलत तरीके से बीमा किया था ₹500 का, और वह मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। मुआवजे का भुगतान करने के लिए ए उत्तरदायी है, यह बी ने सी नाम के व्यक्ति ने कहा। इसके बाद बी, ए सी पर ₹500 के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। सी के पास ए से ₹1,000 की ऋण की वसूली के लिए अदालती आज्ञा पत्र है। इसका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 17 रेस इप्सा लेक्यूटर का अर्थ है चीजें खुद की कहानी बोलती है। रेस इप्सा लेक्यूटर, ये ऑप्शन सही है साथियों। इसका टॉट से पूछा गया, TORT टॉट अपकृत्य विधि से। इसके बाद 18 निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था। सामान्य रोजगार के मामले को पहली बार प्रिस्टली वर्सेस पाउलर के मामले में बताया गया था, विकसित किया गया था। बी ऑप्शन सही है। 19 काउंसिल की अनुशासन आत्मक समिति को नागरिक प्रक्रिया 1908 कोड के तहत सिविल कोड की शक्तियों से किस धारा में सम्मानित किया गया है। धारा 42 एडवोकेट प्रोटेक्ट एक्ट 1961 की धारा 42। बी ऑप्शन सही है। 20 इंजुरिया साइन डेमनम का अर्थ से संबंधित केस क्या है। रायलैंड बनाम फ्लेचर कठोर दायित्व का मामला है, और एसवी बनाम भाइट इंजूरियस साइन डेमनम, आपको क्षति हुई है लेकिन कोई मानसिक क्षति नहीं हुई है, इसलिए बी ऑप्शन होगा, एसवी बनाम भाइट इंजूरियस साइन डेमनम से संबंधित मामला है। 21 सख्त दायित्व का कौन सा अग्रणी मामला है। दोस्तों देख लीजिए, ऊपर भी पूछा गया वही, नीचे भी पूछा गया है। सख्त दायित्व यानी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व का सिद्धांत रोलैंड बनाम फ्लेचर के मामले में दिया गया था।
इसका बी ऑप्शन सही है। 22 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध कर दिया गया, अवैध कर दिया गया है श्रेया सिंगल बनाम भारतीय संघ AIR 2015 के मामले में। श्रेया सिंगल का केस था, उसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को अवैध कर दिया गया है। आप लोग इसका अगर और कोई आपको लगता है सही है तो कृपया कमेंट जरूर करें। 23 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किसके तहत अनिवार्य है? वायु अधिनियम। 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका भी, आप लोग कमेंट करें। 24 जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या सार्वजनिक क्षति को भंग करते हैं तो उन्हें किसे प्रतिषिद्ध करने के लिए कहा जाता है? यह एक प्रकार का दंगा है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 का ए। 25 वर्ग द्वेष नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है? IPC की धारा 153A वर्ग द्वेष के बारे में बात करती है। 26 ETT 299 और 300 के बीच का भेद मेलिब जे द्वारा किस में स्पष्ट किया गया? रेग बनाम गोविंदा के मामले में। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 299 IPC और 300 के बीच भेद स्पष्ट किया गया था रेग बनाम गोविंदा के मामले में। 27 इनमें से क्या किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता नहीं है। पहला लिखित संविधान, सरकार का डबल सेट संवैधानिकता, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 28 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग से संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकती? संसद संशोधन नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, मूल विवरण यानी कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यह कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 29 कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरुआत होता है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 25। 30 हिंदू गोद और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके रखरखाव के लिए प्रदान किया गया है? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, विधवा बहु। 31 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है? धारा 30 संबंधित है पिशाचात्मक अनुक्रम, टेस्टामेंट्री सक्सेशन से संबंधित है धारा 30। इंग्लिश वर्जन भी आप लोग देख लिया करो, कभी कभी
हिंदी में इतनी कठिन भाषा दे देती है जिससे आपको इंग्लिश देखना ज़रूरी है तो और समझ में आ जाएगा। 32 CRPC की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति की परीक्षा से संबंधित है? CRPC की धारा 53A सही होगी। 33 CRPC की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है? 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है पुलिस हिरासत में, पुलिस कस्टडी में। 34 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? दत्ता होम आवश्यक नहीं है, बच्चे को वास्तविक रूप में लेना और देना यही आवश्यक है। गोद लेना है अपन को, कोई हमें अपना बच्चा देगा जिसको हम गोद लेना चाहते हैं बच्चे को, और अभी तो पहले किसी का बच्चा रहा होगा। इसके बाद जो लेता है क्योंकि वह दे रहा है इसलिए लेने और देने से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 35 हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम है। बताइए अगर किसी बच्चे को गोद लेना है तो दोनों के बीच जो आयु एज का अंतर है कितना होना चाहिए? 21 साल। इसका डी ऑप्शन सही है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत निर्भर नहीं है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दादी। 37 भारतीय अधिनियम के खंड 122 के तहत विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच का संवाद, ए ऑप्शन, विवाह टूटने के बाद भी उस संबंध को विशेषाधिकृत प्राप्त होंगे, बिल्कुल प्राप्त होंगे, ए ऑप्शन। 38 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सहयोगी एक सक्षम गवाह होगा? धारा 133 यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा 133। 39 TSTAT अधिकार प्रस्तुति का विषय क्या है? यह एक प्रकार का प्रदर्शन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 40 एडम सिस्टम ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, वे है समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 भारत में पहली बार मर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? आयकर कानून भारत में पहली बार कब पेश किया गया था? 1860 में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 42
सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा क्षम्य योग्य अपराध से संबंधित है? क्षम्य योग्य अपराध से संबंधित धारा है सीआरपीसी की 320। डी ऑप्शन सही होगा। 43 सीआरपीसी की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? संज्ञान लेने के लिए समय सीमा है 3 साल। सी ऑप्शन सही होगा। 44 औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ है? औद्योगिक प्रतिष्ठान का क्या अर्थ है? पहला कारखाना, दूसरा खान, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा एन इंडस्ट्री। इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। 45 हड़ताल केवल तभी होनी चाहिए जब कम से कम 2.5% श्रमिक हड़ताल के समर्थन में है। क्या है इसका? 45 का कम से कम 15% श्रमिक हड़ताल पर है तभी हड़ताल होनी चाहिए, वरना हड़ताल नहीं होनी चाहिए। बी ऑप्शन सही है इसका। आप लोग कमेंट कीजिए। इसी प्रकार हम जितने भी 10 साल के पेपर है सभी के ऊपर वीडियो बनाएं। 46 औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं? औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। इसका ए ऑप्शन है सामूहिक सौदा, बी श्रम कानून, तीसरा औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण, चौथा ट्रेड यूनियन। औद्योगिक शब्द आया है यहाँ पर, इसलिए तीसरा तो होगा ही होगा। तीसरा केवल 3 में है इसलिए लगा दीजिए बिना देखे समझे। तीसरा, पहला दूसरा तीसरा है। इसके बाद 47 सिविल प्रकृति का मुकदमा शब्द का अर्थ है? सिविल प्रकृति का मुकदमा, ये ऑप्शन नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। 48 उपन्याय के नियम से तात्पर्य है? उपन्याय के नियम से तात्पर्य है इसका जो ये ऑप्शन है, जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित पार्टियों के बीच निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में निलंबित हो तो जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो तो दूसरी अदालत को इस मामले में जांच करने से बाध्य किया जा सकता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 49 किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा मृत महंत के उत्तराधिकारी के रूप में कुल उसकी संपत्ति मठ पर कब्जा करने के लिए कदम किया जाता है? उत्तराधिकार के प्रमाण पत्र तैयार करने में उनकी विफलता के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया। मृत महंत के बंधक के रूप में उनके द्वारा एक दूसरा मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए इस सवाल को हम काट देते हैं। 50 ADR Which among the following is not an ADR alternative dispute resolution method under section 89 of CPC? यह संबंधित है छोटी सुनवाई से, मिनी ट्रायल से। ए ऑप्शन 51
किसी निष्कर्ष कार्रवाई में अनुमानित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या कोई निश्चित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 52। रद्द करने की कार्रवाई में निपटारे के लिए समझौते की स्थिति क्या है? इसका जो बी ऑप्शन है कार्य के रूप में है, सही होगा बी ऑप्शन। 53। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर वह बालिक है, वह पागल नहीं है, सी चरम बुढ़ापे की उम्र वाला नहीं है, डी उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और अपनी उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। बिल्कुल डी ऑप्शन है इसका 53 का। 54। भारतीय अधिनियम की भाग 43 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अप्रासंगिक है? आपराधिक अदालत का निर्णय, जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, बी ऑप्शन सही है इसका। 55। भारतीय नियम की किस धारा के तहत किसी गवाह को अपनी याददाश्त को ताजा करने का अधिकार है? याददाश्त मेमोरी रिफ्रेश करने का अधिकार है, धारा 159 साक्ष्य अधिनियम की, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 56। हिम किम के बाद जारी किए जा सकता है? ए ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, बी ऑप्शन उच्च न्यायालय, ना कि जिला न्यायालय नहीं है, ए और बी दोनों हो जाएगा डी ऑप्शन। 57। प्रशासन ट्रिब्यूनल प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया? यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 58। निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? निःशुल्क कानूनी संबंध यानी कि सहायता से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? धारा 304, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 59। सीआरपीसी के निम्नलिखित प्रावधान में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? धारा 57, सीआरपीसी की धारा 57 यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। 60। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कबूल किया गया बयान कौन दर्ज कर सकता है? न्यायिक अधिकारी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जुडिशियल ऑफिशियल, 164 के बयान भी इसे कहा जाता है, जो केवल जुडिशियल ऑफिसर ही दर्ज कर सकता है। 61। दलील सौदा से संबंधित यानी कि प्ली बार्गेनिंग से संबंधित कौन से अपराध में लागू नहीं होता? ए ऑप्शन सामाजिक आर्थिक, बी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन यानी कि महिलाओं के अगेंस्ट अपराध, सी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा सी ऑप्शन। 62। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैर कानूनी साधनों से गैर कानूनी नहीं है
तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया जाता है? आपराधिक षड्यंत्र उसे कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। 63, राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके तहत दिए गए हैं? आईपीसी 124A के तहत दिए गए हैं। अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64, आदेश 9 के तहत एक मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता है। पहला, जहां अभियुक्त पर समन की सेवा की विफल हो जाने के परिणाम स्वरूप अभियुक्त इसकी लागत के भुगतान करने में विफल हो, नियम 2। दूसरा, जहां ना तो अभियोगी और ना ही प्रतिवादी हाजिर हो, नियम 3। चौथा, जहां अभियोगी समन के वापस ना आने के 7 दिनों के बाद भी ताजा समन बे नियम आवेदन करने में विफल हो, नियम 5। चौथा, जहां मुकदमे में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर केवल प्रतिवादी हाजिर होता और वह अभियोगी के दावे को स्वीकार नहीं करता, नियम 8। इसलिए यह चारों सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 65, राज्य परिषद के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष है, राज्य परिषद के प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन। लोकसभा स्पीकर बिल्कुल नहीं है, उपाध्यक्ष बिल्कुल सही है, उपाध्यक्ष। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66, राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज, भारत में संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67, निम्नलिखित में से किस प्रादेश का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर का उत्पादन करने से है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी ऑप्शन हैबियस कॉर्पस रिट। 68, प्रतिनिधि मंडल को संविधान में कब घोषित किया गया था? दिल्ली कानून अधिनियम में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। 69, एक प्रोस्पेक्टस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है, इसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70, जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता या किसी कंपनी का लाभ प्राथमिक शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाए का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना चाहिए, इसे कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संचयी प्राथमिकता शेयर कहा जाता है। 71, औद्योगिक विवाद का अर्थ डॉट डॉट के बीच किसी भी विवाद या अंतर से, इसका पहला नियोक्ता और नियोजन, दूसरा नियोक्ता और कार्यकर्ता, तीसरा श्रमिक और श्रमिक, चौथा मास्टर और कार्यकर्ता। मास्टर और कार्यकर्ता नहीं है,
इसलिए डी ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, डी ऑप्शन सही है। 72। निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता? अचल संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता है, मुस्लिम विधवा, बी ऑप्शन सही है। 73। लिंस पेंडेंस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया? बेलामी बनाम सवाइन के मामले में, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 74। एक्स ने ए पर प्रहार किया, ए पर प्रहार किया किसने? एक्स ने। इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। एक्स ने प्रहार किया, ए ने हिंसा करने के लिए उत्सुक हो गया, यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद के बचाव के लिए उसने हिंसा कर दी। वाई ने, वाई नाम का कोई व्यक्ति थिया, दर्शक के तौर पर वाई देख रहा था, ए के क्रोध का लाभ उठाया, ए के क्रोध का लाभ उठाया वाई ने, उसे एक्स को मारने के लिए कहा। ए ने कहा तुम एक्स को मार दो। ऐसा करने के लिए उसने ए के साथ हाथ में रिवाल्वर पकड़ा दी। उसने रिवाल्वर पकड़ा दी, लो मार दो तुम अपने मामा को, सामने वाले व्यक्ति को, और तुम्हें मारना चाहता था, उकसा दिया ए को वाई ने। ए के क्रोध का लाभ उठाया और रिवाल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवाल्वर से एक्स को मार दिया। ए ने रिवाल्वर चला दी और एक्स की मौत हो गई। अब बताइए आप इनमें से क्या सही है? इसका ए ऑप्शन है, ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल, ए नाम का व्यक्ति हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या करने के लिए, उसे उकसाने के लिए उत्तरदायी है। वाई भी तो उत्तरदायी होगा सजा के लिए, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को उकसाया है हत्या करने के लिए, ए को, एक्स का मर्डर कर दो, इसलिए ए ऑप्शन सही है। एक कॉमन सेंस पर आधारित सवाल है। इसके बाद 75। कानूनी सहायता से मुक्त करने का अधिकार को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित मामलों में मान्यता प्रदान की गई है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य AIR 1979। 76। किस देश में PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी ऑप्शन सही है। 77। जो प्रश्न इस तरह से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के अपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्नों को हम लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार है, केवल पति के लिए, केवल पत्नी के लिए, सी पति पत्नी दोनों के लिए। केवल पत्नी के लिए तलाक का आधार है युवावस्था, यानी कि ओनली वाइफ, बी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 79।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे की वैधता प्रदान करता है? शून्य विवाह धारा 11। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 79 का, नहीं तो आप लोग इसका कमेंट करें, आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि हमने तो गलत बताया है इसका ए ऑप्शन। हम देखना चाहते हैं आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो आप सही कमेंट करोगे इसका। इसके बाद 80 ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा एरोसोलोज, बी ऑप्शन। 81 ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत है। ए और बी तलवारबाजी करने के लिए सहमत है। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जो खेल के नियम के विरुद्ध ना खेलने से भी हो सकता है, और यदि ए अच्छे से खेलते समय बी को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो ए को कोई अपराध नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान आईपीसी की किस धारा में प्रावधानित है? धारा 87, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान धारा 96 से लेकर 106 तक है आईपीसी की, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 83 जिन पार्टियों को अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता उन्हें विशिष्ट राहत अधिनियम की किस धारा में प्रदान किया गया है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 28। 84 किस तरह की संपत्ति स्थानांतरणीय है? ए ऑप्शन पेंशन, बी पब्लिक ऑफिसर, सी राइट टू री एंट्री, डी कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर किसी भी प्रकार की संपत्ति। इसका डी ऑप्शन ही सही है। इसके बाद 85 टीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के तहत नहीं आती? अचल संपत्ति के तहत नहीं आती है छत के पंखे की बिक्री, नहीं आती है, ए ऑप्शन सही होगा। 86 यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन का मामला संबंधित है? इसका मामला संबंधित है पूर्व न्याय से, यानी कि रचनात्मक, सी ऑप्शन सही है। 87 एक्स नाम का व्यक्ति पुणे में रह रहा है और उसका भाई वाई बुंबई में रह रहा है। एक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करवा सकता है, मुकदमा दर्ज करवा सकता है या तो दिल्ली बेंगलोर में किया जा सकता है, बिल्कुल या तो दिल्ली में किया जा सकता है या बेंगलोर में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 88 वाई की भोपाल में अचल संपत्ति है, यानी कि अचल स्थिर प्रॉपर्टी है उसकी, वाई नाम के व्यक्ति की भोपाल में, और वह व्यक्ति रूप से इंदौर में गलत काम करता है, इंदौर में गलत काम करता है और वाई भोपाल में उसकी प्रॉपर्टी है, वाई की संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजे प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। भोपाल या इंदौर कहीं पर भी उसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। कॉमन सेंस लगाइए,
कम से कम 50-60 प्रश्न कॉमन सेंस पर आधारित पूछे जाते हैं। इसके बाद 89 आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस धारा के तहत कहा गया कि अन्य व्यक्ति की आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा, 60 टू 65। बी ऑप्शन। इसके बाद 90 किस वर्ष को हर साल अप्रैल के पहले दिन शुरू होने वाले 12 महीने की अवधि के रूप में जाना जाता है? यह असेसमेंट ईयर है, यानी कि निर्धारण वर्ष। ए ऑप्शन सही है इसका। 91 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 का कौन सा अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, धारा 10A। 92 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसका आप लोग कमेंट कीजिए, हम देखना चाहते हैं आप लोग कितना अच्छे से तैयारी कर रहे हो। आप कमेंट करना साथियों, और प्रश्न नंबर भी लिख देना। 92 का ए है, बी है, सी है कि डी है? 93 जहां 9 के साथ अनुबंध किया जाता है उन्हें विशिष्ट राहत मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। 93 का बी ऑप्शन, नहीं दी जा सकती है विशिष्ट राहत। आप सोच रहे थे ए है, यहां पर अनुबंध किया गया है माइनर के साथ, तो विशिष्ट राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वह माइनर है, उसे समझ नहीं है कॉन्टैक्ट की, तो राहत कैसे मिलेगी आपको? फिर बी ऑप्शन सही है। 94 किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जा किए जाने पर किस तरीके से निकलवाया जा सकता है? इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्रक्रिया कोड अधिनियम 1908। 95 विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 39 किस से संबंधित है? धारा 39 संबंधित है पंजीकरण से, रद्द, शुद्धता, किसी से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन। 96 कोई गंगा गवाह अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत दे सकता है, इस तरह के साक्ष्य को माना जाएगा? इस प्रकार के साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना जाता है। गंगा हाथ रखकर गंगा गवाह यानी कि मौखिक साक्ष्य माना जाता है। 97 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इनमें से कौन सी अदालत नहीं है? आर्बिट्रेटर यानी कि डी ऑप्शन, अदालत नहीं है। 98 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है? ए ऑप्शन, धारा 230, बी 231, सी 225, डी 232। इसका जो ए ऑप्शन है, धारा 230, बिल्कुल सही होगा। 99 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत एक औद्योगिक सहमति में आम तौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से और कंपनी होने के नाते से कम ना होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए
भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा रखने या इसके साथ सीधे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए, जहाँ तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमति हो। इस हिस्से को इस उद्देश्य से एक कंपनी माना जाता है और धारा 4, 5A, 6, 7 और 50 में कंपनी को इस तरह की सहमति के संदर्भ में भी संदर्भित किया जाएगा। खाली जगह भरें, इसका ए ऑप्शन दिया गया है 100, बी ऑप्शन 200, 300, 400, इसका ए ऑप्शन सही होगा 100, 100। इसके बाद 100, अधिग्रहण अधिनियम के तहत 1894 कंपनी का अर्थ है, ए ऑप्शन है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई कंपनी खंड सीसी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा, ए ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार एआईबी एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो आप हमारी कोचिंग क्लास ज्वाइन करिए। हम आपसे वादा करते हैं आप लोगों का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होगा। हाँ। इसलिए आप लोगों को अगर हमसे बात करनी है, कोई सवाल है आपका, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आपको पीडीएफ नोट्स सब उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर इस वीडियो पर 5000 व्यू जाते हैं तो हम आपको फ्री में भी कोचिंग देंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।